हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक बाइंडिंग के ऊपर और साथ ही साथ इसका एक एग्जांपल बनाकर समझने वाले हैं कि आप प्रोग्रामिंग में डायनेमिक बाइंडिंग का यूज़ किस तरीके से करते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है? डायनेमिक बाइंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रन टाइम पर मेथड को मेमोरी एलोकेट होता है। इसे लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के बेसिस पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रन टाइम पर मेमोरी एलोकेशन करवाने के लिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ओवरराइडिंग का। तो मैं यहाँ पर दो क्लासेस बना लेता हूँ, आप किसी भी नेम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर पर्सन और डॉक्टर नेम से बना रहा हूँ। मैंने एक पर्सन नेम से क्लास बनाई, दूसरी क्लास मैंने यहाँ पर डॉक्टर नेम से बना दी है। इस तरीके से दोनों के बीच में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ओवरराइडिंग के केस में इनहेरिटेंस होना कंपलसरी है। इस तरीके से अब इस क्लास के इनसाइट एक मेथड बना देते हैं, इट, और मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। पर्सन इज ईटिंग। और सेम मेथड को मैं डॉक्टर नेम की क्लास में भी डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर इज ईटिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने ओवरराइडिंग का प्रोसेस अप्लाई करने का कोशिश किया है और हम समझने वाले हैं यहाँ पर कि डायनेमिक बाइंडिंग किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो चाइल्ड क्लास है डॉक्टर, उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट बनाकर उसको पेरेंट क्लास के रेफरेंस पर रखना है जिसका नेम पर्सन। इस तरीके से अब आपको जो पर्सन है उसके रेफरेंस से ईट को कॉल करना है, ईट नेम की मेथड को आपको कॉल करना है। तो होगा ये कि जब आप ईट को कॉल करेंगे तो कंपाइल टाइम पर फ्लो इस वाली मेथड के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही कंपाइल होने के बाद आपका प्रोग्राम रन होगा तो फ्लो यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये वाला ईट नेम का जो मेथड है वो इस ईट को ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस बना, ये ओवरराइडिंग का प्रोसेस बना, और यहाँ पर जो मेमोरी मिल रहा है इस मेथड को वो कब मिल रहा है, रन टाइम पर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये डायनेमिक बाइंडिंग का एक सटीक एग्जांपल है जहाँ पर रन टाइम पर मेमोरी अलोकेट हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेमोरी लेट मिल रहा है तो इसे लेट बाइंडिंग भी कहा जाता है। आप एक बार इसे बिल्ड एंड रन करके देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा डॉक्टर इज ईटिंग, जो कि चाइल्ड क्लास की मेथड के इनसाइट हमने मैसेज प्रिंट करवाया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के इनसाइट हमने डायनेमिक बाइंडिंग के ऊपर डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया है, वहाँ पर आप वॉइसलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं।